यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालमा नॉलेज ट्यूब में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत खंड का तीसरा पार्ट, नैतिक मूल्य, यानी कि नैतिक मूल्य, और ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछला तीन पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दार्शनिक धर्माचार्य पौराणिक धर्म परिभाषित यथा, यानी कि दार्शनिकों, धर्माचार्यों यानी कि धर्म के आचार्यों, च यानी कि और पौराणिकों ने धर्म है यानी कि धर्म की परिभाषित यानी कि परिभाषा दी है, या धर्म को परिभाषित किया है यथा यानी कि जैसे, यतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि ही स धर्म, यतो यानी कि जिससे, अभ्युदयनी, अभ्युदय होना यानी कि प्राप्त होना, उदय होना, श्रेयस सिद्धि ही, श्रेयस यानी कि उन्नति और सिद्धि यानी कि कल्याण, यानी कि जिससे उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः यह लोके कल्याणं जायते, यस्मात् कर्मणः यानी कि जिस कर्म से यह लोके यानी कि इस संसार में कल्याण, कल्याणं जायते यानी कि कल्याण होता है, परत्र लोक परलोके च, परलोके यानी कि परलोक में, और परत्र यानी कि यही इस लोक में, शोभनम स्थानम यानी कि सुंदर स्थान, जनेह यानी कि लोगों को, लभ्यते यानी कि प्राप्त होता है, नरका पातो न भवे येन स धर्मः, नरका पातो नरक प्लस आपातो यानी कि नरक में पतन नहीं, और भवित यानी कि होता है येन यानी कि जिससे, स धर्मः वही धर्म है। एवं महाभारते इस प्रकार महाभारत में, ध्येयते धर्मः धारणा धर्मः यतः धारयते प्रजाः, ध्रियते यानी कि धारण करना, यानी कि धारण करना धर्म है, धारणा धर्मः यतः धारयते प्रजाः, यतः यानी कि जिसे, धारयते प्रजाः यानी कि प्रजा को धारण कराया जाता है, धारणा धर्म वही धर्म है। धर्म शास्त्र प्रकारेण मनुना, धर्म शास्त्र प्रकारेण यानी कि धर्म शास्त्र के रचयिता मनु ने लिखा है या मनु ने कहा है, धृति ही क्षमा दमोयस्तेयम शौचमिन्द्रियम निग्रह, धी विद्या सत्य सत्यम क्रधु दशकम धर्म लक्षणम, धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दम यानी कि संयम, अस्तेयम यानी कि अस्ति प्लस अयम यानी कि ये, और अस्ति यानी कि है, शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम यानी कि पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी यानी कि बुद्धि, विद्या यानी कि विद्या, सत्यम यानी कि सत्य, क्रोध यानी कि क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम यानी कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। तो धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति यानी कि धैर्य, क्षमा, दमो यानी कि संयम, शौचम यानी कि पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी यानी कि बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध, सॉरी अक्रोध यानी कि क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीर्थांतनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरु सेवा मातृ पितृ सेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारः इति मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्याः। तीर्थाटनम यानी कि तीर्थ यात्रा, पावनासु यानी कि पवित्र नदीषु यानी कि नदियों में, स्नानम यानी कि स्नान यानी कि पवित्र नदियों में स्नान, यजनम यानी कि यज्ञ करना, याजनम यानी कि यज्ञ कराना, गुरु सेवा यानी कि गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा यानी कि माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम यानी कि संध्या वंदना, षोडश संस्कारः आदि 16, षोडश यानी कि 16 होता है, आदि 16 संस्कार, एते यानी कि ये मुख्य रूप से धर्म पद वाच्या है यानी कि धर्म शब्द के वाच्या यानी कि वाचक हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति यानी कि इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्मो व्यापकः इसलिए धर्म व्यापक है,
हृदि दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्य चरणेषु द्वयः सांकर्यमस्ति। धृति यानी कि धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि के चरणों में या आचरणों में द्वयः यानी कि दोनों धर्म और नीति का मिश्रण है। सांकर्य यानी कि मिश्रण और अस्ति यानी कि है। तो देखिए सांकर्यम इसका अर्थ होता है मिश्रण और अस्ति यानी कि है। तो इनमें धर्म यानी कि दोनों का मिश्रण है, धर्म और नीति का मिश्रण है। परमेतत् निश्चितम यत् दयोचा दयोरा चरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव। परम प्लस एतत्, परम यानी कि लेकिन, एतत् यानी कि यह निश्चित है, यत् यानी कि दयो आचरणेन यानी कि दोनों आचरण के या आचरण से लोक का यानी कि संसार का परम कल्याणम यानी कि अत्यधिक कल्याण जायते एव यानी कि होता ही है। नीति काराणाम मते इमे नैतिकताया गुणाः यथा, यानी कि नीति कारों के मत से या नीति कारों के अनुसार ये नैतिकता के गुण हैं। जैसे जीव हिंसाया विरक्ति ही परधनापहरणानि निवृत्ति ही सत्य भाषणम वैशुन्यात निवृत्ति ही सत्पात्रेभ्यः दिनेभ्यश्च दानम अतिलोभात वितृष्णा दया सहिष्णुता परोपकारः गुरुजने स्वनुरागः श्रद्धा विनयशीलता च। जैसे जीवों की हिंसा में विरक्ति यानी कि जीव पर हिंसा नहीं करना, पर धनापहरण यानी कि दूसरों के धन को हरण करने से निवृत्ति या छुटकारा पाना, यानी कि दूसरों के धन को छीनने की आदत को छोड़ देना। सत्य भाषणम यानी कि सत्य बोलना, पैशुनात निवृत्ति ही, पैशुनात यानी कि चुगलखोरी से छुटकारा, चुगलखोरी नहीं करना। सत्पात्रेभ्यः दिनेभ्यश्च दानम यानी कि सत्पात्रों च यानी कि और दिनेभ्यः यानी कि जो दीन है, गरीब है, इन दोनों को दान करना। अतिलोभात वितृष्णा यानी कि अधिक लोभ का ना होना, यानी कि अति लोभ से विरक्ति होना। दया सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करना। गुरुजने स्वनुराग यानी कि गुरुजन पर अनुराग यानी कि उन पर प्रेम। श्रद्धा च यानी कि और विनयशीलता। अनुत्सेकः आतिथ्यम नैया वृत्ति ही परगुणेभ्यः ईर्ष्या अभावः सत्संगान्य वृत्ति ही विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता समयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिकताचाराः ईशानाचरणेनैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं सम्पद्यते। अनुत्सेकः यानी कि अतिथि सत्कार या गर्भहीनता। आतिथ्यम यानी कि अतिथि सत्कार। न्याया वृत्ति यानी कि न्याय की आजीविका। परगुणेभ्यः ईर्ष्या अभावः यानी कि दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या नहीं करना। सत्संगा निवृत्ति यानी कि सत्संग में निवृत्ति होना या अनुराग होना, सत्संग में अनुराग होना। विपदि धैर्यम विपद में या विपत्ति में धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय यानी कि उन्नति में क्षमा भाव रखना। सदसी वाक्पटुता, सदसी यानी कि सभा में। वाक्पटुता का अर्थ होता है बोलने की चतुराई। समयस्य सदुपयोग यानी कि समय का सही उपयोग करना। इत्यादयः यानी कि इत्यादि, इत्यादयः यानी कि इत्यादि नैतिकताचाराः यानी कि नैतिकता के कार्य हैं। ईशामाचरणेनैव व्यक्तिः यानी कि ईशम यानी कि इनके आचरणेनैव यानी कि आचरण से ही व्यक्तिः यानी कि व्यक्ति का। समाजस्य यानी कि समाज का। राष्ट्रस्य यानी कि राष्ट्र का यानी कि देश का। च यानी कि और विश्व का यानी कि संसार का। सर्वथा यानी कि हर प्रकार से कल्याणम यानी कि कल्याण और संपद्यते यानी कि होता है। तो इन सभी से सबका, व्यक्ति का, समाज का, देश का और
पूरे संसार का हर प्रकार से कल्याण होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।